जय छठी मैया, ओम सूर्याय नमः। छठ पूजा हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह विशेष रूप से पूर्वी भारत, खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य देवता और उनकी बहन छठी मैया की उपासना का पर्व है। छठ पूजा में सूर्य देवता की उपासना की जाती है, जो जीवन के लिए ऊर्जा और शक्ति का प्रमुख स्रोत है। भगवान सूर्य को स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। अस्त और उदय दोनों समय सूर्य को अर्घ देने की परंपरा अद्वितीय है और यह जीवन में संतुलन और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। छठी मैया को संतान की रक्षा और परिवार की सुख समृद्धि के लिए पूजनीय माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा अपनी संतान की खुशहाली और परिवार की उन्नति के लिए किया जाता है। इस पूजा में व्रत करने वाले व्यक्ति को 4 दिनों तक बहुत ही कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। यह शारीरिक और मानसिक शुद्धि का प्रतीक होता है। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन का सेवन किया जाता है, जिससे शरीर को शुद्ध रखने का संदेश मिलता है। छठ पूजा प्रकृति के साथ सामंजस्य का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह पूजा जल, सूर्य और पृथ्वी जैसे प्राकृतिक तत्वों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देती है। छठ पूजा समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ मिलजुल कर इकट्ठा होने का अवसर प्रदान करती है। सभी लोग मिलकर घाटों पर पूजा करने जाते हैं, जिससे आपसी सहयोग और सामूहिकता की भावना मजबूत होती है। छठ व्रत को कठिनतम व्रतों में से एक माना गया है, जिसमें व्रती को कई तपस्याओं से गुजरना पड़ता है। यह आत्मसंयम जैसे धैर्य और भक्ति का प्रतीक है। नहाए खाए पहले दिन व्रती पवित्र नदी या तालाब में स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन व्रती उपवास रखते हैं और शाम को खीर रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे आम भाषा में खरना कहा जाता है। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिसे संध्या अर्घ करते हैं। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिसे प्रातः अर्घ कहते हैं। इसी प्रकार प्रातः अर्घ देकर व्रत का समापन किया जाता है। छठ पूजा न केवल धार्मिक आस्था का पर्व है, बल्कि यह पर्यावरण, परिवार, समाज और आध्यात्मिक शुद्धता का संदेश भी देता है। इसकी परंपराएं और रीति रिवाज हर सालों लाखों लोगों को प्रकृति और ईश्वर के करीब लाते हैं। छठ पूजा के दौरान पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। भक्त और उनके परिवार अपने घरों और पूजा स्थलों को पूरी तरह से साफ सुथरा करते हैं। जो लोग व्रत रखते हैं वे सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और पूजा के दौरान वस्त्र आदि को भी पवित्र रखते हैं। छठ पूजा की सबसे अनोखी परंपरा कठोर व्रत है। 4 दिनों तक चलने वाले इस व्रत में व्रतधारी पहले दिन से ही केवल फलाहार करते हैं और अंतिम 2 दिनों में 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं। इस त्योहार में सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा महत्वपूर्ण है।
व्रतधारी नदी तालाब या किसी जलाशय में खड़े होकर उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। छठ पूजा के दौरान लोक गीतों का भी महत्व है। भक्त घर में भी और घाट पर भी गीत गाते हैं, जैसे कि काच ही बासती बहंगिया बहंगी लचकत जा, उगा हो सूरज देव भइल अर्घ के बेर। ऐसे ऐसे लोक गीत होते हैं जिसे भक्त लोग गाकर उत्साहित होते हैं और अपने अंदर सूर्य देवता के प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं। छठ पूजा का प्रसाद विशेष रूप से शुद्धता और भक्ति के साथ तैयार किया जाता है। इसमें पढ़ने वाले ठेकुआ, चावल के लड्डू, फल और नारियल प्रमुख प्रसाद होते हैं और सारे इसमें प्रसाद होते हैं, जैसे गन्ना हो गया, सभी प्रकार के फल सब्जी जो फल के रूप में चढ़ाया जाता है, उन सभी फलों का चढ़ावा किया जाता है। छठ पूजा सामूहिक रूप से मनाई जाती है। लोग घाटों पर इकट्ठा होते हैं और अर्घ अर्पित करते हैं। यह पर्व सामुदायिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है। डाला, जिसे आम भाषा में टोकरी कहते हैं, छठ पूजा का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसमें सभी प्रसाद रखते हैं। यह त्यौहार प्राकृतिक और पर्यावरण के प्रति सम्मान दिखाता है। जल स्रोतों की पवित्रता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस पर्व में भक्त जल में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हैं, जो जल, सूर्य और पृथ्वी के बीच सामंजस्य का प्रतीक होते हैं। छठ पूजा की इन सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से व्यक्ति न केवल सूर्य देवता की उपासना करता है, बल्कि जीवन में अनुशासन, पवित्रता और सामुदायिकता का पालन भी करता है। जय छठी मैया।